कैसे आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और घर पर रह के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं, क्लास 12th बायोलॉजी। इसमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आज हम उपस्थित हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल रखिए, बल्कि इसको याद ही कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समाप्त होता है? यानी पाचन की प्रक्रिया जो है वह तो मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह में जब लार से कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उसका पाचन होने लगता है, और इसके साथ जैसे जैसे भोजन आगे के अंगों में बढ़ता जाता है उसका पाचन होते जाता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में ख़त्म हो जाता है। यानी उसके बाद जब बड़ी आंत में भोजन का बचा हुआ भाग जाता है तो वहाँ पे कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ ऑप्शन जो है छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत और पैनक्रियास, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आमाशय, जैसे हमारा भोजन है मुंह के द्वारा जब हम उसको ग्रहण करते हैं, ये ग्रास नली से होती हुई आमाशय में पहुँचती है जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, HCl भी कहते हैं उसको, तो वहाँ से पाचन की प्रक्रिया भी होती है वहाँ पे। इसके बाद बड़ी आंत में तो पाचन होता ही नहीं है, क्योंकि छोटी आंत के बाद जो अनपचा भोजन है वह बड़ी आंत में चला जाता है। और चौथा ऑप्शन जो है पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज में भोजन नहीं जाता बल्कि पैनक्रियाज या अग्नाशय, इससे पाचक एंजाइम निकलते हैं जो कि भोजन के पाचन में पूर्ण सहयोग देते हैं, और इसी के द्वारा भोजन का पाचन संभव हो पाता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, यानी भोजन का पाचन जो वह पूर्ण रूप से छोटी आंत में पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाता है, इसके बाद भोजन का पाचन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किस वैज्ञानिक ने? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, यहाँ ऑप्शन है जोसेफ फ्रोरियर ने, एल जबलर ने, JNN जेफर्स ने या CC पार्क ने। तो यहाँ तो कुछ विशेष चर्चा करने की बात नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रोरियर ने। जी हाँ, जोसेफ फ्रोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, यानी उसके बारे में बताया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार, ये तो पता है सबको कि एक मिनट में 72 बार हृदय जो है वह धड़कता है, हर्ट बीट होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। यहाँ ऑप्शन है 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 मिनट या 1 सेकेंड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। जी हाँ, 0.8 सेकेंड, यानी सिर्फ एक बार हर्ट बीट होने में 0.8 सेकेंड का जो है वह समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में यह होती है फूड एंड माउथ रोग। यहाँ ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या सभी, तो रोगाणु तो सब हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है फूड एंड माउथ रोग के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु, जो दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा। इसी के कारण जंतु में फूड एंड माउथ रोग जो है वह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं? घास कुल में नहीं आते, तो घास कुल किसको कहते हैं? जो एक बीजपत्री पौधे मुख्य रूप से होते हैं, तो उनमें यह सम्मिलित है, घास कुल के पौधे इनको कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन है गेहूँ, गांठ घास, राई या जौ। तो आप पत्तियों को देखकर इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं या इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पादप घास कुल में होगा। जैसे दूब घास तो आपने देखा होगा, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो पत्तियों में सिराएं होती हैं वो समानांतर रूप से होती हैं, यानी सीधी फैली हुई रहती हैं, लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं इनकी पत्तियों में आप देखिएगा सिराएं जो है एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ आप देखिएगा गेहूं का पत्ता हो,
गांठ घास या दुब घास का पौधा हो या जौ का, तो इनके तीनों की पत्तियों में कुछ ना कुछ आपको समानता देखने को मिलेगी। लेकिन आप राई या सरसों का जब पौधा देखते हैं तो उसकी पत्तियों का आप जो सिरा है उसका विन्यास देखकर आपको पता लगेगा, जिसको हम जालीकार रूपी सिरा विन्यास भी कहते हैं। तो ये पादप जो है वह घास कुल में नहीं आता, यानी इसका आंसर हो जाएगा राई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे होता है? पेसमेकर का संबंध जो है इनमें से किससे होता है? यह ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, दिमाग या गुर्दा, किसके साथ यहाँ पे होता है? तो पेसमेकर, जब हृदय संबंधित कोई बीमारी होती है तो पेसमेकर यानी कृत्रिम हम पेसमेकर कहते हैं। ये क्या करता है? हृदय में पेसमेकर तरंगों को उत्पन्न करता है, यानी हृदय की जो दीवार होती है उसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे ये हार्ट बीट करने में यह भागीदारी होती है इसकी। इसी के कारण हार्ट बीट होता है, यानी हृदय जो है वह फैलता और सिकुड़ता है, जिसके कारण हृदय का रक्त जो है वह रक्त नलिकाओं में चला जाता है या और उनसे होकर पूरे शरीर में पहुँचता है। जो पूरे शरीर का बेकार रक्त है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, वह फेफड़े में आता है और फेफड़े से हृदय में जाता है। तो ये पेसमेकर जो है यह हमारा हृदय से संबंधित है। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हृदय से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है। द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन के बारे में आपने पढ़ा होगा। जब भी कोई पराग कण वर्तिकाग में प्रवेश करता है तो उसमें से एक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं से संलग्न करता है और दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका या अंड जो सेल होती है उसे संलग्न करके जो बीज का निर्माण करता है। तो बीज के जो ध्रुवीय कोशिका है उसके द्वारा क्या होता है कि बीज के चारों ओर एक आवरण बन जाता है। आप यहाँ लगभग जितने भी पौधे देखते होंगे सब में बीज जो होता है वह फल के अंदर होता है। ठीक है, यानी बीज के ऊपर कोई ना कोई आवरण जरूर होता है, तो उसको हम आवृत बीजी कहते हैं। तो दोहरे निषेचन में आवृत बीजी का बहुत ज़्यादा महत्व है, यानी हम कह सकते हैं ठीक इसका उल्टा कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं इनमें दोहरे निषेचन का बहुत खास महत्व होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो होगा ही नहीं अनावृत बीजी, जिसमें बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अनावृत बीजी, जैसे आपने साबूदाना देखा होगा बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, तो ऐसे पौधे बहुत कम ही, इसकी जो प्रजातियां हैं वो बहुत कम हैं, ज़्यादा प्रजातियां आवृत बीजियों की हैं। तो अनावृत बीजी में द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जितने भी आवृत बीजी हैं जिनमें बीज फल के अंदर होता है उनमें द्विनिषेचन का बहुत ही खास महत्व होता है, या उसका खास लक्षण हम कह सकते हैं। मॉस तो क्या कह सकते हैं, पूर्णतः विकसित पौधा नहीं है ये। चौथा जो ऑप्शन है फर्न, तो फर्न में कोई पुष्प होता ही नहीं, यह सबसे बड़ा ट्रेडोफाइटा ग्रुप का है, जिसमें सबसे बड़ा पौधा हम कह सकते हैं जिसमें फूल नहीं होता या पुष्प नहीं होता। तो यह आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन जो है, निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है, तो यह आंसर हमारा हो जाएगा आवृत बीजी, या सी नंबर जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी जब पौधों को नाम दिया जाता है यानी उनका नामकरण किया जाता है तो उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन है वर्गीकी, नामकरण, पहचान या वर्गीकरण। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वर्गीकी। जी हाँ, जो पहला आंसर है वही होगा, पौधों को पहचान, पौधों को पहले नाम, उसका नामकरण किया जाता है वर्गीकी के अंतर्गत, टैक्सोनॉमी भी कहते हैं इसको, फिर उसको उसका जेनेरिक नेम दिया जाता है, तभी उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये जो है विज्ञान कहते हैं इसको, वर्गीकी विज्ञान। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, आर्कियोपटेरिक्स क्या है? ये एक
पक्षी कह सकते हैं, सरीसृप पक्षी, रेंग कर चलने वाला पक्षी, जिसमें पंख भी होते थे और वह रेंग कर भी चलता था। यह एक योजक कड़ी के रूप में है, जिससे ये पता चलता है कि जितने भी एवीज वर्ग, एवीज यानी जो पक्षी हैं, उनका उद्भव सरीसृप वर्ग से हुआ है, रेप्टिलिया वर्ग के जो रेंग कर चलते हैं जंतु, उनसे हुआ है पक्षियों का निर्माण, यानी वही विकसित होकर उन्होंने एवीज का रूप ले लिया है। तो यहाँ जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रायसिक तथा जुरेसिक काल दोनों कालों के सरीसृप, बी ऑप्शन है ट्रायसिक काल का सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है जुरेसिक काल का सर्व पुरातन पक्षी, या चौथा ऑप्शन है जुरेसिक काल का सरीसृप। तो आपको पहले ही बताया मैंने, यह एक पक्षी था, यानी रेंग कर चलने वाला पक्षी, जो दौड़ता भी था और उड़ता भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्कियोपटेरिक्स क्या है, जुरेसिक काल का सर्व पुरातन पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है, यानी जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जिसको कि हम WBC कहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बनी रहती है, यह रोगाणु से लड़ता है। जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो ये जो WBC हैं यही उसे लड़ने का कार्य करते हैं। शरीर में अगर WBC की कमी होगी तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वह भी कम हो जाएगी। और लाल रुधिर कोशिकाएँ जो हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में जब फेफड़े के चारों ओर यह रक्त जाता है तो वह ऑक्सीजन को खींचता है, यानी हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन को जकड़ने की जो क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ संयोजन करने की, वह उसको फेफड़े से जकड़ लेता है और ले जाकर कोशिकाओं में छोड़ देता है, और फिर कोशिकाओं से ऑक्सीजन को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर कहाँ लाकर छोड़ देता है, फेफड़ों में लाकर छोड़ देता है। हम कह सकते हैं श्वसन में मुख्य भूमिका जो ये लाल रुधिर कोशिकाएं हैं यही पूर्ण रूप से संपन्न करती हैं। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात कितना होता है। यहाँ ऑप्शन है 1:1000, 1:500, 1:700 या 1:1200। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1:700। जी हाँ, 1:700, यानी अगर एक WBC है श्वेत रक्त कणिका, तो उसके साथ 700 की संख्या में लाल रुधिर कणिकाएं या RBC होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन यानी पेड़ पौधों का संवर्धन कैसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ एग्रीकल्चर, बहुत से लोग सोचते होंगे कि एग्रीकल्चर होगा, तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। एग्रीकल्चर का अर्थ होता है खेती या कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती है उसको एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन यहाँ कह रहा है वनस्पति संवर्धन। यहाँ जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर या ओलेरिकल्चर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्टिकल्चर, यानी वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम हार्टिकल्चर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, यानी किसके कारण, किस रोगाणु के कारण दाद की बीमारी होती है। यहाँ जो ऑप्शन है, वायरल, फंगस, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया। वायरल या विषाणु के द्वारा कर सकते हैं, फंगस, फंगी के द्वारा, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया के द्वारा। तो दाद क्या है, दाद एक त्वचा संबंधित बीमारी है और यह फंगी के कारण होता है, फंजाई भी कहते हैं इसको, जिसको एक अलग संघी बना दिया गया, फंगी या फंगस। तो दाद जो है वह फंगस बीमारी है, त्वचा से फैलता है यह, यानी संक्रमित त्वचा से यह फैलता है दाद की बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 13वां क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप क्या है, जब
बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, नहीं, ब्लड का जो प्रेशर है रक्त नलिकाओं में, रक्त का जो दबाव है यह बढ़ जाता है, तो इसको हम रक्त उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो यह आंसर जो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार, पहला ऑप्शन है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, पक्षाघात या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा हाइपरटेंशन, जो दूसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब उच्च रक्तचाप हो तो हाइपरटेंशन, और जब बीपी लो हो जाता है या रक्तचाप कम हो जाता है तो इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो यह हमारा उच्च रक्तचाप पूछ रहा है, तो यह आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विषाणु वृद्धि करता है किस में, विषाणु सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में करता है? यहाँ ऑप्शन है चीनी के विलयन में, जीवित कोशिका में, मृत शरीर में या पानी में। तो आपने सुना होगा कि कुछ वैज्ञानिक जो है वह विषाणु को जीव सजीव ही मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसे निर्जीव ही मानते हैं। निर्जीव मानने का कारण यह है कि यह स्वतंत्र रूप से अपनी वृद्धि नहीं कर सकता, लेकिन सजीव मानने का कारण यह है यह अपनी वृद्धि करता है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसको सजीव मानते हैं। तो यहाँ जब तक विषाणु किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वह अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवित कोशिका। जी हाँ, जब तक यह किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करता यह अपनी वृद्धि नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग हैं, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या हैं? यहाँ ऑप्शन है ट्रेकिया, क्लोम, नाक या फेफड़ा। तो मुख्य श्वसन अंग पूछ रहा है। ट्रेकिया जो रक्त की जो श्वसन नलिका होती है उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। क्लोम मछलियों में होता है, क्लोम छिद्र। तीसरा ऑप्शन है नाक, तो नाक तो बाह्य संरचना है जो एक नासिका या नाक कहते हैं, या श्वसन का एक मार्ग है, ठीक है, जिसके द्वारा हम वायु को शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं और फिर इसको बाहर छोड़ते हैं। तो यह एक मार्ग है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मुख्य श्वसन अंग, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फेफड़ा। यह फेफड़ा जो डी ऑप्शन है यही सही होगा, यह मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ा का आकार होता है किस प्रकार का आकार होता है? फेफड़ा का बेलनाकार, गोलाकार, शंक्वाकार या अंडाकार? फेफड़ा का आकार पूछ रहा है। तो फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार, यानी ऊपर थोड़ा चौड़ा और नीचे थोड़ा पतला, इसे हम शंक्वाकार कहते हैं। फेफड़ा का जो आकार, या हृदय का भी आकार पूछे तो हृदय का भी आकार शंक्वाकार ही होता है, ऊपर का भाग तिकोना, हृदय का आकार कैसे होता है? तिकोना होता है, और फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जिनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही नहीं होता, और उसके बिना ही निषेचन की क्रिया हुए बिना ही जो पौधे हैं वह फल पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, फल का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ ऑप्शन है अनिषेक फलन, युक्तांडपा या अपयुग्मन। चार ऑप्शन है अनिषेक फलन, वियुक्तांडपा, युक्तांडपता या अपयुग्मन। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बिना निषेचन के जब फल की उत्पत्ति हो तो उसको हम कहते हैं अनिषेक फलन। जी हाँ, अनिषेक फलन। जैसे आपने देखा होगा केला, केला में निषेचन की क्रिया हुए बिना ही फल की उत्पत्ति हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा ऑप्शन है ईख का लाल विगलन, ईख की लाल धारी, गेहूं का अनावृत कंड या आलू की अगेती अंगमारी। आलू में देखते हैं ठंडा जब होता है, ज़्यादा ठंडा होता है तो उसमें कहते हैं पाला मार दिया है, तो आलू का विकास नहीं हो पाता। गेहूं में अनावृत कांड होता है, ईख की लाल धारी और ईख का लाल विलगन। तो ज़्यादा आपने ईख में ये देखा होगा, ईख में क्या होता है कि जीवाणु के द्वारा लाल धारियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो आपने देखा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी श्रृंखला में, हम खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं,
उत्पादक नहीं पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उत्पादक नहीं पूछ रहा है, उपभोक्ता पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन है मांसाहारी, अपघटक, शाकाहारी या उत्पादक। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे ध्यान देकर देखिएगा। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, तो यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता जितने भी शाकाहारी होते हैं, यानी उत्पादक कौन हो गया, पेड़ पौधे, और प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो कहलाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जो होते हैं, या द्वितीयक उपभोक्ता हम कह सकते हैं किसको, मांसाहारी को, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शाकाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है अगला, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है, सबसे छोटा जीव पूछ रहा है, जीव यानी जिसमें कोशिका के ऊपर कोई ना कोई आवरण जरूर हो, उसी को हम जीव कह सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है विषाणु या वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, ईस्ट, और चौथा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, यानी दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन है एशर, रिशिया कोलाई, वाइब्रियो कॉलरी, कोरिनोबैक्टीरियम, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा जो है ये हो जाएगा, मनुष्य की जो आंत है उसमें एशर रिशिया कोलाई जो है वह पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, या कह सकते हैं किस रंग की रश्मियों का, किरणों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन है हरा, नीला, जरज, पीला। तो यहाँ ऑप्शन क्या, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जरज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाल रंग भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, लाल रंग का। तो चलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, लाल रंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है, इसको जरज भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, क्वेश्चन ईजी है, लगभग लोगों को पता होगा। यहाँ ऑप्शन है 202, 200, 206 या 212। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कुल 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, जब वयस्क हो जाता है, तो वयस्क अवस्था में उसके शरीर में वो हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं, और जो हड्डियों की संख्या होती है वह अंत में 206 होकर रुक जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी जो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति अपने जो अपने अनुसार जीवों को चुनती है, जो जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम हो जाता है वह जीव जीवित रहता है, और जो जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को जीवित रखने में सक्षम नहीं हो पाता वह इस मृत हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है योग्यतम की उत्तर जीविता, तो यहाँ ऑप्शन है ह्यूगो डिब्रिज, पाश्चर, डार्विन या लमार्क। किसने कहा था कि जो योग्य होते हैं वह उनका उत्तर जीवन ज़्यादा होता है, और जो योग्य नहीं होते उनका उत्तर जीवन कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डार्विन, क्योंकि उन्होंने ही प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया था, डार्विन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। यहाँ ऑप्शन है पेचिस, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं, कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हैजा। हैजा जो रोग है यह जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
26 था, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? शीत रक्तीय प्राणी यानी इसको अनियत तापी जंतु भी कहते हैं, जिसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार क्या है, बदलते रहता है। यहाँ ऑप्शन है मेढक, छिपकली, मछली या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि मेढक, मछली या छिपकली सभी क्या हैं, शीत रक्तीय प्राणी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन या डायलिसिस प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है या कौन सा प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से? यहाँ ऑप्शन है अवशोषण, विसरण, परासरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशोषण, विसरण, परासरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण। जी हाँ, विसरण, जब किडनी में कोई समस्या होती है और डायलिसिस किया जाता है तो उस प्रक्रिया में विसरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, वे हैं, किसको कहते हैं? भारवाही नस्लें, दुधारू नस्लें, द्विप्रयोजक नस्लें या उपयुक्त सभी, क्या कहते हैं ऐसे को? तो यह आंसर हमारा हो जाएगा दुधारू नस्लें। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा दुधारू नस्लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है रिब केज, रिब यानी जो फेफड़े की जो पसलियाँ होती हैं उसको कहा जाता है, भुजा, हाथों की ह्यूमरस, जांग, जांग की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं, या मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है। तो यह आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लंबी हड्डी पूछ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा जांग की हड्डी। और बताइए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो होती है कान में एक हड्डी होती है, इसे स्टेप्स कहते हैं, स्टेपिस भी कहते हैं, तो वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे लंबी हड्डी यहाँ पूछ रहा है तो ये हो जाएगी जांग की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं। जी हाँ, फीमर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है? शर्करा कटोरा या चीनी का कटोरा भी कह सकते हैं, चीनी का कटोरा या शर्करा कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, क्यूबा या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका को हम गेहूं का कटोरा कहते हैं, और भारत में मुख्य रूप से मसाले वगैरह होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्यूबा, जो तीसरा ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यूबा का नाम आप सुना होगा, तो उसे हम चीनी का कटोरा या शर्करा कटोरा भी कहते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे ही रह के अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए, धन्यवाद।